BSS में मैं BS सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इससे पहले जो क्लासेस थी वो क्लास 6 के लिए शुरू हो चुकी थी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, अब क्लास 9 के लिए शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 9 के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी उसके लिए वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो देख लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो JNV क्लास 9th जो पढ़ते हैं तो एक तो हिंदी मीडियम के लिए होगी और एक जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो मैं एक ही वीडियो में मतलब हिंदी मीडियम वालों को भी ये प्रश्न समझा दूंगा और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी मैं समझा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर अपना खुद का इंट्रोडक्शन दूं तो मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय से 2017 में MPC यानी कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पास आउट हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ जो कि है वहां से पास आउट हूँ और मैंने वहां पर अपने 7 साल पूरे किए। वहां पर मैंने वेल एजुकेशन प्राप्त की, वहां के गुरुजन जो हमारे थे बहुत अच्छे थे और आपको भी मैं ये मतलब आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे मिलेंगे, आपके जो भी आपके टीचर्स होंगे वो अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहला तो वही होता है कि उनका सम्मान करना, उनका आपको रेस्पेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपकी आज की जो यूट्यूब का क्लास है शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस क्या होगा वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहली क्लास है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाला, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा लेकिन ये बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है आपका। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8वीं तक आपने क्या पढ़ा, विद मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा, साइंस में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा और हिंदी में क्या पढ़ा, SST में क्या पढ़ा, SST मतलब सोशल साइंस में आपने क्या क्या पढ़ा, वो 8वीं तक का सिलेबस तो रहता ही है। साथ ही साथ 9वीं क्लास के कोर्स में यानी कि अगर आप क्लास 9th का एग्जाम दे रहे हैं यानी कि मतलब एडमिशन के लिए दे रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपको क्लास 9th और 10th के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे 9th 10th में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं इनको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं, ये आपके क्लास 8वीं तक तो आए नहीं होंगे अगर आप अभी 8वीं पढ़ रहे हो तो, और ये 9th क्लास में भी इतने नहीं है लेकिन ये 10th क्लास में मोस्टली इनका एक अलग से चैप्टर होता है वो होता है। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें आएंगी जो आपकी शायद आपने आज तक नहीं पढ़ी है, वो मैं आपको यहाँ पर कोर्स पूरा हो जाएगा आपका, तो ऐसी चीजें आएंगी आपकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैथ और आपके मोस्टली तो आपके जो क्लास 7वीं 8वीं की मैथ है उस मैथ को आप कंप्लीट कीजिएगा। और सबसे पहली बात आती है क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है जो आपको खुद को पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले तो बता दूं, मैंने क्लास 6 वालों को बताया 1 से 20 तक के पहाड़े तो आपको करीब करीब याद होने चाहिए, अच्छे से अच्छे याद हो मतलब आने चाहिए। और इसी प्रकार से पहाड़े को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में टेबल्स, तो ये टेबल्स आप थोड़ी याद कर लेना आपके लिए थोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आती तो सबको है। अगर यार मैं कह दूं कि अगर मेरे को 19 का पहाड़ा लिखना है तो मैं पहले लिखूंगा 19 फिर 19-19 को जो जोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे मैं करता जाऊंगा। लेकिन फास्ट अगर आप, क्योंकि देखिए आपके पास होते हैं 2 घंटे और आपको प्रश्न करते हैं करने कुल 150 या 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और वो इतने फास्ट करने पड़ते हैं, अगर आपने फास्ट नहीं किए, अगर आप एक ही प्रश्न में अटक के रह गए तो बाकी आपके प्रश्न छूट जाएंगे और आपके साथ जिन जिन ने दी ये परीक्षा वो आपसे आगे निकल जाएंगे। इसी प्रकार से ये होता है कि क्लास 7वीं और 8वीं तक आपने जो पढ़ा है वो पढ़िएगा। और मैं खुद यहाँ पर आपकी कोचिंग इसलिए शुरू कर रहा हूँ आपको 7वीं 8वीं और आपका जो ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का कोर्स है वो आपके यहाँ पर मैं जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। और साथ ही साथ आपकी जो भी कंडीशंस होगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उस जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस जो एग्जाम की, वो सब मैं आपके सामने फॉलो अप कर दूंगा, आपके सामने शो अप कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहली मेन बात होती है, हम मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में क्या है, तो मैंने अभी कह दिया कि 1 से 20 तक के पहाड़े, तो पहाड़े आएंगे नहीं, आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपका 18 का पहाड़ा क्या है, नहीं पूछेगा, लेकिन पहाड़े यूज होंगे, पहाड़े इस्तेमाल होंगे वहां पर, तो वो है। दूसरी चीज क्या होती है वहां पर 8वीं 9वीं में आपने पढ़ा होगा कि परसेंटेज निकालना, परसेंटेज जो है परसेंटेज को हम कहते हैं प्रतिशत,
तो प्रतिशत निकालना आपको आना चाहिए अच्छे से, साथ ही साथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो इस टॉपिक में भी बहुत सी चीजें आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी होता है ब्याज, जो मेरा हिंदी भी नहीं पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, साथ ही साथ आता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि बाइंग प्राइस यानी कि कितने में आपने वो से लिया है, साथ ही साथ एरिया यानी कि क्षेत्रफल, किसी भी चीज का आपको क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर को हम कहते हैं वर्ग, रेक्टेंगल को कहते हैं आयत, और सर्कल को कहते हैं वृत्त, इस प्रकार से कई ऐसी चीजें होंगी, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ऐसी चीजें होंगी, इनके आपसे मतलब एरिया इनका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी उसका वो घन जो होता है वो पूछा जाएगा, ऐसी चीजें पूछी जाएगी आपसे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए होगी। आप जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो भी हमारी लेटेस्ट जो वीडियोज होगी वो सबसे पहले पहुंच जाएगी, और पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो आज हम सबसे पहले क्या करते हैं शुरू, मैं अपने मन से शुरू करता हूं ताकि आपको भी पता चले कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ आ रहा है, तो ही आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैथ का, अच्छा टॉपिक है जो हर जगह यूज होता है, तो इसके बारे में हम आप आज आपके सामने बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आखिर है क्या? तो आपने कई बार देखा होगा आपके पिताजी ने या आपने खुद ने कभी किसी को पैसे अगर आपने उधार दिए तो आप कहते हैं कि भाई 5 का ब्याज लगेगा, 2 का ब्याज लगेगा, 1 का ब्याज लगेगा, जो भी है। आप किसी से लोन अगर लेते हैं तो भी आपके ब्याज लगता है। तो सबसे पहले हम ब्याज कर बात करते हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट आखिर है क्या, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट को हम कहते हैं ब्याज, क्या कहते हैं ब्याज। अब ब्याज क्या है, ये ब्याज है प्याज नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ब्याज है। तो ये ब्याज जो है ये क्या है और ये किस प्रकार से ये किसी प्रकार भी लागू होता है? तो ये ब्याज दो प्रकार से लागू होता है, एक तो वार्षिक होता है, सॉरी ये दो प्रकार से नहीं, ये कितने प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन ये वार्षिक और मासिक, यानी कि जो ये साधारण ब्याज है ये वार्षिक और मासिक दो प्रकार से होते हैं। वार्षिक मतलब होता है ये जो एनुअल होता है, और मासिक यानी मंथली जो ब्याज लगता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैंने किसी को 5,000 रुपए दिए और मैं उससे मंथली 2% का ब्याज लूंगा, मंथली 2% का ब्याज लेने का मतलब ये हुआ कि मैं उसका 5,000 का 2% प्रति महीने ब्याज लूंगा। अगर मैंने उससे कह दिया कि मैं उसे पर ईयर यानी कि पर वार्षिक रूप से मैं उससे ब्याज लूंगा 14% का, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वार्षिक को 14% का ब्याज दे रहा है तो मतलब 14/12 होगा, वो होगा 7/6, यानी कि 7/6% का ब्याज वो लेगा पर मंथ, यानी कि पर मंथ होगा। अब ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूं, आज तो मैं आपको शॉर्टकट में ये बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हमारे कोचिंग क्लासेस पर किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से आपको आपके फ्यूचर के बारे में आपको रास्ता दिखाया जाएगा हमारे यहाँ से। तो चलिए हम बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का
फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पीटीआर बाई 100. पीटीआर बाई 100 मतलब होता है पी माने होता है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल प्रिंसिपल को हम कहते हैं मूलधन, यानी कि हमने जो हमारा रकम थी हमने कितने रुपए उसको दिए थे वो. टी माने टाइम यानी कितना वक्त कितना समय तक हमने उसको पैसे दिए. और रेट आर माने रेट होता है रेट यानी होती है दर. तो उसका होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100. तो इसमें हम 100 का भाग देते हैं. अगर हमें अगर मैंने अभी आपसे बात की थी कि 5,000 रुपये प्रति 2% प्रति मंथ यानी कि पर मंथ हम उससे 2% का ब्याज लेंगे. सॉल्व करते हैं उसको कि इसका एक महीने का कितना रुपया होगा ब्याज. तो पी हम लिखते हैं यहाँ पर 5,000 इंटू करते हैं टाइम. अगर सपोज मैंने उसको एक महीने के लिए दिए और मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक महीने का उसका कितना ब्याज होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा. सपोज मैं एक साल की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक. और अगर मैं इसको 2% है यानी कि अगर ये पर 2% क्या है पहले तो वो आपको दे देगा स्पष्ट में दे देगा कि मासिक रूप से 2% है कि वार्षिक रूप से. अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि ये मासिक रूप से 2% है तो एक ये हो गया महीना है. हम एक सिर्फ एक महीने का चेक करना चाहते हैं. हम सिर्फ 1 month का चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे इंटू 2 यानी कि जो इसकी रेट है वो बट्टा लिखेंगे 100. तो एक महीने का क्या होगा ब्याज 2 से 2 ये जो 0 है इसे ये 0 कैंसिल हो जाएगा. ऐसे भी कई बच्चे हैं उनको ये नहीं आता कि ये 0 0 कैंसिल कैसे होता है काटा कैसे जाता है जोड़ बाकी गुना बहुत ऐसे होते हैं बेचारे. क्या होता है कि 7वीं 8वीं में ज्यादा मेहनत कर नहीं पाते और थोड़ा सा वीक रह जाते हैं. तो वो भी कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप का जो उससे जुड़कर मेरे से लिख सकते हैं कि सर हमें ये सब चीजें नहीं आती हैं और आप इसके लिए एक न्यू वीडियो अपलोड कीजिए ताकि हमें ये सब चीजें पहले क्लियर हो जाए. तो मैं सबसे पहले आपकी ये जो छोटी छोटी चीजें ये सब आपकी सॉल्व हो जाएगी जोड़ बाकी गुणा भाग काटना वाटना ये सब जो चीजें हैं. तो ये तो 0 से 0 हम काट देते हैं 2 × 50 करते हैं तो 100 रुपए. अब 100 रुपए प्रति महीने यानी कि अगर 5,000 रुपए आपने किसी से लिए 2% प्रति महीने के ब्याज की दर से तो आपको हर महीने उसको 5,000 रुपए तो है ही है 5,000 तो मांगते ही है साथ साथ हर महीने आपके 100 रुपए एड होते जाएंगे. इसी प्रकार से ये सिंपल इंटरेस्ट का फंडा होता है. इसी प्रकार से अगर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सपोज कीजिए कि मैंने किसी को 15,000 रुपए 7% की दर से 7% की जो दर है ये पर वार्षिक दर है. मैं कहता हूं कि मैंने उसको वार्षिक रेट से 7% वार्षिक रेट से उसको 15,000 रुपए दिए हैं तो एक महीने का सॉरी एक साल का कितना ब्याज होगा. यार सपोज हम एक महीने का चेक करना चाहते हैं. अगर हम मंथली चेक करना चाहते हैं तो मंथली चेक करते हैं हम इसका. सपोज देखिए तो पीटीआर बाई 100 इसकी जो फॉर्मूला होता है हम उसको लिखते हैं तो पी माना प्रिंसिपल यानी कि 15,000 जो है वो आ जाएगा. मार्कर थोड़ा पता नहीं ये बदबू मार रहा है पता नहीं ये क्योंकि न्यू है ना. खैर जो टाइम इसमें होगा तो टाइम हमने दिया सपोज एक महीने का. अब जो रेट है इस रेट को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये वार्षिक दिया हुआ है और हम एक महीने का चेक करना चाहते हैं सिर्फ 1 month का तो इस रेट को हमें मासिक रेट में चेंज करना पड़ेगा. तो हमें 7/12 करने पड़ेगा. इसका 12 का मतलब होता है क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो उसके लिए 12 का भाग देंगे. तो हम यहाँ पर करते हैं रेट 7/12 बट्टा करेंगे 100. ये 1 0 से 1 0 कट गया 1 0 से 1 0 कट गया 2 0 से 2 0 कट गए. 12 का हम 6 कर देते हैं यहाँ पर हम कर देते हैं 75. अब यहाँ पर हम अगर इसको 3 से काटना चाहें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 × 6 और 3 × 5 = 15 25. और 25 अब हमारे पास जो मूल्य आ गया वो आ गया ये. अगर इसको काटना चाहे तो होगा 12.5 × 7 7 × 5 = 35 का 5 असल लगी 3 7 × 14 और 3 × 17 1 × 7 = 8. तो हमारा करीब 87.5 रुपीज पर मंथ यानी कि 87.5 रुपए हमें पर मंथ उस आदमी को पे करना पड़ेगा विद 15,000 तो है ही है उसके साथ. इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होते हैं.
तो आज की क्लास में आपकी यहीं पर पूरी करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए और जल्द से जल्द हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं BS सोलंकी ऑलराउंडर VSS टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं।